और खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया तो कोलकाता में ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर के साथ व्हीलचेयर पर बैठकर सड़क पर उतर गईं। अपने पैर की चोट का बार बार जिक्र कर उन्होंने सहानुभूति बटोरने की कोशिश तो की ही है, लेकिन बंगाल में लगातार तीसरी बार टीएमसी सरकार का बनने का दावा भी उन्होंने किया। पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन सत्ता क्या ना करवाए। तभी तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता की सड़क पर उतर गई। चुनावी संग्राम में ताल ठोकने के लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया। लोगों को हम देखते हैं कि जो उनके समर्थक हैं वो पूरे इस बात पर मुतमईन है कि उनकी दीदी पूरी चुनाव में जीत के आ रहा है। क्या दीदी का चाहिए हमरा? दीदी मंगला का दीदी का चाहिए? पूरा दीदी चाहिए, मोदी मत चाहिए। ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन ममता ने इसकी परवाह नहीं की और बंगाल में तीसरी बार टीएमसी का झंडा बुलंद करने के लिए हुंकार भरती नजर आई। আমি হুইলচেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर और व्हीलचेयर के सहारे बंगाल की जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी हैं, तो बीजेपी ममता की चोट पर लगातार हमलावर है। इससे ममता जी का चेहरा जनता के बीच में बेनकाब हुआ है कि आप सहानुभूति प्राप्त करने के लिए क्या नहीं कर सकती है। ऐसे में अब देखना है कि बंगाल की जनता की सहानुभूति दीदी को मिलेगी या फिर बंगाल इस बार परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ा रहा है।